श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब यदि आपकी कोई मनोकामना कई दिनों से परिपूर्ण हो ही नहीं रही है कोई आपकी ऐसी विशेष मनोकामना है तो गुरुवार के दिन आपको केवल तीन चुटकी हल्दी से बहुत ही अचूक उपाय करना है पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके प्रयास करते हैं कि आप तक उनके दिव्य उपाय बिल्कुल सरल विधि से सरल तरीके से पहुँचाए जाए ताकि आप उन उपायों को कर पाएं अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में हमेशा की तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें देखिए वैसे तो ये उपाय हर गुरुवार के दिन आप कर सकते हैं जैसे प्रदोष का गुरुवार एकादशी का गुरुवार पूर्णिमा का गुरुवार और अमावस्या का गुरुवार इन दिनों अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी आप जो मनोकामना है वो बहुत जल्द परिपूर्ण हो जाती है देखिए आपको केवल तीन चुटकी हल्दी लेनी है ध्यान रखिए थोड़ा सा अगर गंगा जल हो तो गंगा जल मिला लें नहीं तो आप शुद्ध जल भी मिला सकते हैं आपको क्या करना है किसी भी गौ माता ध्यान रखिए गौ माता की जो पीठ होती है जहाँ पर ककोद होती है ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको यहाँ पर आपको क्या करना है सीधे हाथ में हल्दी लेना है थोड़ा सा जल मिला करके आपको गौ माता के इस हिस्से पर ककूद वाले हिस्से पर आपको फेर देना है ध्यान रखिए जो कुबड़ होती है ना वहाँ पर आपको फेर देना है ध्यान रखें यहाँ पर सूर्य नाड़ी होती है जिससे इसमें अमृत पैदा होता है ध्यान रखिए इस जगह आपको हाथ फेर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ग्यारह बार जाप करना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोल देनी है निश्चित तौर पर भगवान विष्णु की कृपा से और तैतीस कोटि देवी देवता की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाएगी केवल पाँच गुरुवार भी अगर आप ये करते हैं तो आप आपके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव देखेंगे देखिए आप केवल दो गायों पर ही उपाय कर सकते हैं एक सफ़ेद कलर की होनी चाहिए और दूसरी जो है वो लाल कलर की होनी चाहिए तो ही आपका ये जो उपाय है ये परिपूर्ण होता है अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती बिल्कुल भी मत करना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव